फ्रेंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अज आप इस वीडियो के अंदर क्लास सिक्स वाले का जोड़ा कि इंग्लिश का पेपर है वह देखेंगे कि किदा का पेपर पैटर्न होगा तो किड़े क्वेश्चन इंपोर्टेंट ने थानू पेपर के आ सकते हैं। तो बच्चों जेकर तुम चैनल पर नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो। चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सितंबर के पेपर जेडे कि थोड़ा इंग्लिश का बहुत इंपोर्टेंट पेपर है, वीडियो में स्किप ना करो, एंड तक जरूर देखियो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा आप सोल्व करेंगे नाल दी नाल। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा रीड द पैसेज एंड आंसर करने हैं वाले नीचे वाले क्वेश्चन में। तो सब तो पहला थानू की आऊगा बच्चों, पैराग्राफ आऊगा, देख सकते हो तुसी एक पैराग्राफ आया हुआ थानू, तो पैरा दे विचों तुसी की करने आंसर देने ने, ठीक है। चलो आप पैरा रीड करते हैं। ग्रेट बिग फॉक्स सो जिम क्राइंग ही आस्क्ड स्वीट बे वाई आर यू क्राइंग जिम लुक देयर आई कैन नॉट गैट एम आई थ्री गोट्स आउट ऑफ दैट करेक्ट फील्ड। फॉक्स कहता है डोंट क्राई आई विल गेट योर गोट्स एंड द फॉक्स रैन राउंड एंड राउंड आफ्टर द थ्री गोट्स बट नो द गोट्स डिड नॉट कम एंड द फॉक्स सैट डाउन विद जिम एंड क्राइड बो बो, ठीक है। कहते बट एनीमल सॉ जिम क्राइंग, तो किड़ा एनीमल से जिम क्राइंग देखा तो उन्होंने देखा ग्रे बिग फॉक्स, देखो फर्स्ट लाइन देखा फॉक्स, ठीक है। अगला नैक्सट हैगा वेयर वर द जिम्स कोट्स, उसकी जिम दिया कोट्स कितने सगिया एंड ही आस्क्ड स्वीट बे ही क्राइंग लुक दे आई कैन गोट्स आउट कैरेट फील्ड, कैरेट फील्ड के वेयर हाउ मैनी गोट्स वर इन द कैरेट फील्ड, किनिया सगिया थ्री, तो कि आंसर की है थ्री। वाई डिड द फोक्स रन आफ्टर द गोट, तो वह भज का तो गई सी एंड दी फ्राउंड आफ्टर थ्री गोट्स बट नो गोट्स विले एंड बिकॉज, क्योंकि वह जोड़े सी थ्री गोट्स तो भज गए थे क्योंकि वह देख रहा है कि उत्थे बिग फोक्स आ गया सी, ठीक है। नैक्सट अपना देखते हैं फिलअप करना अ ग्रेट डैश फोक्स सो जिम क्राइम, फिर उपरों ही देखनी आ ग्रेट कितों स्टार्ट होंदा है, ग्रेट तो तुसी देख सकते हो ग्रेट पिक्स ग्रेट डॉग अ फॉक्स, ठीक है। अगे लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो फ्रेम फाइव सेंटेंस करने ने, नीचे जो क्लू वर्ड ने फ्रेम करने ने फाइव सेंटेंस। चिल्ड्रन तुसी देख सकते हो चिल्ड्रनस मतलब प्ले कर रहे हैं ये एंड वन प्ले ग्राउंड है, ठीक है। एंड हाँ मैनी चिल्ड्रनस प्ले एंड हैप्पी विद अदरस एंड सम आर फ्लाई क्राइट्स एंड सम प्ले फुटबॉल सम आर वेरी इंजॉय द डे, ठीक है। नैक्सट है रीड द कन्वर्जेसन, मतलब फुटबॉल काइट सी सो, ठीक है। एंड सम इंजॉय सी सो बैलून मड, सम इंजॉय बैलून मड एंड स्लाइड सम गर्ल्स प्ले विद स्लाइड, ठीक है। स्विंग सारे कुछ तुम बना दो। अगर रीड द कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, हैलो मीना हाउ आर यू, फिर मीना कहती है हैलो आई एम फाइन वेयर आर यू गोइंग, फिर नीटा कहती है आई एम गोइंग टू मार्केट। नैक्सट है कि मीना वट विल यू बाय फ्रॉम द मार्केट, फिर नीटा कहती है आई शैल बाय पेन पेंसिल एंड नोटबुक, डू यू नीड एनी थिंग मीना प्लीज़ ब्रिंग अ पेन पिंक चार्ट फॉर मी एंड अ पेयर ऑफ शूज फॉर रवि। अगेन नीटा कहती है ऑल राइट बाय बाय, फिर हू इज़ टॉकिंग टू होम, कहने की कह रही है, फिर जी हैलो मीना कह रही है हाउ आर यू, तो कहती है मीना रीटा है जी मीना बारे गल कर रही है, तो फिर की आऊगा नीटा मीना इसी ऑप्शन, ठीक है। नैक्सट देखते हु इज़ गोइंग टू मार्केट, तो कौन कहती है हैलो आई एम फाइन वेयर आर यू गोइंग, तो नीटा कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो नीटा मार्केट जा रही है। बट विल नीड बाय बाय की करना सी ना पेन पेंसिल के नोटबुक, ठीक है। नैक्सट देखते हैं आप लेना वो वॉन्ट्स अ चार्ट, चार्ट किसान चाहिए सगा, डू नीड एनीथिंग प्लीज़ ब्रिंग पिंक चार्ट, तो मीना की चाहिए सगा पिंक चार्ट, तो पिंक चार्ट किन चाहिए मीना। नैक्सट मीना वॉन्ट्स रैड चार्ट, हाँ मीना कि चार्ट चाहिए सी रैड चार्ट, ट्रू है, ठीक है। नैक्सट आंसर द फॉलोइंग, वेयर डज द मिल्क कम फ्रॉम, मिल्क कम फ्रॉम काउ, ठीक है। वू बिकम द मैसेंजर, ठीक है। और मैं समझा वो एक क्वेश्चन थोड़े बुक के आए ने, वू वुड कम एंड प्ले विद द ट्री, ठीक है। वेयर वॉज द वॉटर फाउंड, वट डिड बॉय वॉन्ट अ बोट, वट डिड द काउ सी ऑन द ग्राउंड, जेकर एक क्वेश्चन के आंसर चाहिए ने चैनल में सबसक्राइब कर लो। नैक्सट राइट द मीनिंग एनी थ्री फीदर्स स्विफ्ट बिजनेस आई हैव ऑन माई बिजनेस ब्रांचिज
A tree has many branches. This tree disturb, do not disturb while studying. And delicious, this food is very delicious. ठीक है. Swift, I buy a swift new car. Feathers, अब पैसे आने थ्री का है ना, थ्री कर लियो दे बच्चों. अगे fill the blanks with given word. ते फिल करने ने जितना पायलट काओ ते दूजा आंट. हूँ आ डैश गिव अस मिल्क, तो सानू दूध कौन दें दिया काओ. अगे माई मदर सिस्टर इज माई आंट. एंड आ डैश पायलट फ्लाइज एंड एरोप्लेन. ठीक है, बस ये आंसर से इतों थानू तीन मार्क्स मिल जाएंगे. अगे मेक सेंटेंस देखो. क्लिंब अप, कट डाउन, टेक अवे, कन्वर्जेशन, टीयर डाउन, डिलीशियस. तो तुम इन्हों के मेक सेंटेंस करने ने, मतलब सेंटेंस बना के आने ने पेपर के ईजी है, तुम बना सकते हो. नैक्सट चूज द करैक्ट ऑप्शन चूज करनी है. वाई डिड रैबिट पैनिक, रैबिट पैनिक का तो हो गए थे. ठीक है, अगे वट डिड द लिटल रैबिट क्लिंब. ठीक है, दो क्वेश्चन के राइट आंसर देने ने. नैक्सट तो बाद एक स्टैंजा आऊगा, स्टैंजे दसना है ये पोइम किसकी है, तो पोइम के की आंसर ने उतों नीचे थानू मिल जाएंगे. ठीक है, देखो इतने लिखे हुए हैं ना. रेडी टू फाइट तो कौन सीगा, ऑलवेज रेडी टू फाइट एंड हैप्पी टू बाइट निबल्स लाइक अ माउस. ठीक है, नैक्सट अगर थोड़ा क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जोड़े कि सारे क्वेश्चन आंसर दसने. वाई डिड द पोइट से दैट द रेन इज ब्यूटीफुल. वट गशिज एंड स्ट्रगल आउट. वट डिड द पोइट ब्रिंग होम. वट डज द पपी निबल्स एट. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ने अगर डू एज डायरैक्ट करने ने. रैन इज गोइंग टू दिल्ली, नाउन चूज करना, तो दिल्ली इस नाउन है, तो आप किसान टिक करेंगे दिल्ली में. नैक्सट प्लूरल बोलना, एक सिंगुलर होंगे प्लूरल. टूथ का प्लूरल क्यों होगा, तीथ. ठीक है, नैक्सट देखो. डैश इज फ्रॉम जलंधर, प्रोनाउन लगाना है ही इज फ्रॉम जलंधर. अगर चेंज द जेंडर, टाइगर, टाइग्रेस. ठीक है, नैक्सट पंचुएट करना है. राजू, राजू का आर वड्डा होगा. हैज़ अ पेन एंड अ पेंसिल. पेन कोमा पा के आ पेंसिल, और पी बड़ा, पी पेन का बड़ा, तो बी का बुक बड़ा. ठीक है, बस ए ए विच बड़े हो जाएंगे. ठीक है, अगर डैश एप्पल इज डैश हेल्थी फूड. एन एप्पल इज द हेल्थी फूड. माई ग्रैंड मदर वॉक्स डैश. यूज करैक्ट एडवर्ब स्लोली, तो इतने आऊंगा स्लो. ठीक है, स्लो राइड द ओपोजिट हैप्पी, अनहैप्पी, गिव, अनगिव, कम बैक, सेल, परचेज. ठीक है, फिर नैक्सट एप्लीकेशन लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है. काओ चाहे माई सेल्फ, दोनों चो एक तो लिख लियो. तो नैक्सट सेंट बर्थडे गिफ्ट. बर्थडे गिफ्ट से तुम्हें लैटर लिखना, वह भी ईजी हों, बस बाकी ट्रांसलेशन ने, ट्रांसलेशन सोल्व चाहिए ने. तो बच्चे कमेंट करके दस्यो, तो थोड़ा मैं प्रोवाइड करवा देंगी. बाकी जिन्हें बच्चे ने एंड तक वीडियो देखी है तो कमेंट करके दस्यो. थैंक यू.